नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। आज मेरे पास है ओप्पो की तरफ से न्यूली लॉन्च ओप्पो A3 प्रो। इस फोन में है 5100 mAh की बैटरी और इनबॉक्स आता है 45 वाट की एडेप्टर के साथ। बहुत सारे दोस्त जानना चाहता है इसका बैटरी बैकअप कैसा है, क्योंकि ये फोन 100% से 0% होने के लिए कितना टाइम लेता है और इसका चार्जिंग टाइम कितना है। तो आपका सवाल का आंसर देने के लिए आज इस वीडियो में इस ओप्पो A3 प्रो का बैटरी ड्रेन एंड बैटरी चार्जिंग टेस्ट करूंगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करके कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है ओप्पो A3 प्रो और अभी फोन में चार्ज है 100%। तो चलिए सबसे पहले बैटरी ड्रेन करके देख लेते इसका बैटरी बैकअप कैसा है, उसके बाद फोन को मैं चार्ज में लगाऊंगा। देखो भाई, जो बैटरी ड्रेन टेस्ट होगा ना, ये मल्टीपल एप्स को यूज करके होगा। मेरे पास स्टॉप वॉच भी है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर 2 घंटे के लिए यूट्यूब पर वीडियो प्ले करके देख लेते हैं, क्योंकि एक मूवी को प्ले करके देख लेते हैं ये फोन अभी बैटरी को कितना ड्रेन करता है। तो यहाँ पर आप देख लो, अभी भी 100% चार्ज है। एक मूवी मैंने चूज कर लिया और यहाँ पर रेजुलेशन जो रहेगा वो फुल HD। तो यहाँ पर मैं रेजुलेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, फुल HD में यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ब्राइटनेस फुल रहेगा, वॉल्यूम भी यहाँ पर फुल रहेगा। तो चलिए यहाँ पर मूवी को प्ले करते हैं और यहाँ पर स्टॉप वॉच को स्टार्ट करते हैं। फाइनली 2 आवर्स कंप्लीट हो गए। अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी परसेंटेज के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 75% हो गए। तो चलिए दोस्तों, अब 2 घंटे के लिए BGMI गेम को प्ले करके देख लेते हैं इसका बैटरी कितना ड्रेन होता है। इस फोन में आप BGMI गेम 40fps में खेल पाओगे और यहाँ पर मैक्स आप HD ग्राफिक सेटिंग्स में खेल पाओगे। तो चलिए यहाँ पर स्मूथ एंड अल्ट्रा को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ब्राइटनेस भी फुल रहेगा और यहाँ पर वॉल्यूम भी फुल रहेगा। भाई, इस फोन का जो जायरो सेंसर आप यहाँ पर देख सकते हो, थोड़ा सा डिले यहाँ पर है। 4 आवर्स कंप्लीट हो गए। अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी परसेंटेज के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 50% हो गए। तो चलिए आप 1 आवर्स के लिए फेसबुक को यूज करके देख लेते इसका बैटरी कितना ड्रेन होता है। यहाँ पर भी ब्राइटनेस फुल रहेगा और वॉल्यूम भी फुल रहेगा। 5 आवर्स कंप्लीट हो गए। अगर मैं बात करूँ बैटरी परसेंटेज के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 34% हो गए। चलिए आप 1 आवर्स के लिए यहाँ पर इंस्टाग्राम पर शॉर्ट्स वीडियो प्ले करके देख लेते हैं इसका बैटरी कितना ड्रेन होता है। यहाँ पर भी ब्राइटनेस और वॉल्यूम जो है वो फुल रहेगा। 6 आवर्स कंप्लीट हो गए। अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी परसेंटेज के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 19% हो गए। तो चलिए अब इस 19% से 0% करने के लिए हम लोग यहाँ पर कैमरा का इस्तेमाल करने वाला हो। इस फोन की बैक कैमरा से आप फुल HD 60fps में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर फुल HD 60fps में वीडियो को रिकॉर्ड करके देख लेते हैं 0% होने के लिए फोन कितना टाइम लेता है। अभी फोन का बैटरी परसेंटेज 2 हो गया, इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग जो है और कंटिन्यू नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं सेटिंग्स में आकर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए 2 से 1% हो गए। तो चलिए इस 1% को ड्रेन करने के लिए यहाँ पर यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो प्ले करके देख लेते। तो यहाँ पर भी ब्राइटनेस फुल रहेगा और वॉल्यूम तो फुल ही है। तो फाइनली ये फोन जो है स्विच ऑफ हो गया है, आपने तो देखा ही होगा। यहाँ पर स्टॉप वॉच को मैं स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे टेस्टिंग में स्क्रीन ऑन टाइम बैटरी बैकअप इसका कितना है, 6 आवर्स 57 मिनट का। 5100 mAh बैटरी के हिसाब से स्क्रीन ऑन टाइम बैटरी बैकअप मुझे सही लगा है। चलिए अब इस फोन को चार्ज करके देख लेते 0% से 100% होने के लिए फोन कितना टाइम लेता है। ऐसे भी इस फोन के साथ इनबॉक्स आता है 45 वाट का एडाप्टर। चलिए इसको फटक से कनेक्ट कर लेते हैं फोन के साथ। फोन को मैंने चार्जर के साथ कनेक्ट कर लिया। तो चलिए यहाँ पर स्विच को ऑन करते और यहाँ पर स्टॉप वॉच को रिसेट में क्लिक करके यहाँ पर फिर से स्टार्ट कर देते। मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा ये फोन कितने टाइम में कितना चार्ज होता है, उसी के साथ हीट को भी टेस्ट करके देखेंगे ये फोन कितना हीट होता है। अभी फोन जो है चार्ज होना स्टार्ट हो गए और यहाँ पर आप देख सकते हो फोन का जो हीट अभी है 38 डिग्री। 10 मिनट कम्प्लीट हो गए और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज अभी 11 हो गए और यहाँ पर टेम्परेचर देख सकते हो 37 डिग्री के आसपास में है। तो चलिए अब 30 मिनट के बाद देखते हैं फोन कितना चार्ज होता है। 30 मिनट कंप्लीट हो गया और बैटरी परसेंटेज आप यहाँ पर देख सकते हो 38% हो गए। तो चलिए अब 1 आवर्स के बाद देख लेते हैं फोन कितना चार्ज होता है। 1 आवर्स कंप्लीट हो गए और यहाँ पर बैटरी परसेंटेज देख लीजिए 79% है। चलिए अब ये देख लेते हैं फुल चार्ज होने के लिए कितना टाइम लेता है। फाइनल ये फोन फुल चार्ज हो गए। यहाँ पर स्टॉप वॉच को मैं स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो ये फोन फुल चार्ज होने के लिए 1 आवर्स 14 मिनट के आसपास में टाइम लिया है। और मुझे लगता है 45 वाट के एडाप्टर के हिसाब से फोन में जो 5100 mAh की बैटरी है, चार्जिंग टाइम भाई मुझे ठीक ठाक लगा है।
बाकी ये फोन तो फुल चार्ज हो गया है, अभी तो इसका हीटिंग टेस्ट भी कर लेते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फोन जो है 36 डिग्री 37 डिग्री के आसपास में हीट हुआ है, क्योंकि 40 डिग्री को क्रॉस नहीं किया है। इसमें हीटिंग इशू भी नहीं है, बैटरी बैकअप भी सही है, चार्ज होने के लिए ज्यादा टाइम भी नहीं लेता है। तो मुझे लगता है ओप्पो वालों ने इस फोन में जो बैटरी डाला है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज किया है। वेल, ये तो था ओप्पो A3 प्रो का बैटरी ड्रेन एंड चार्जिंग टेस्ट। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। भाई ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, आपने तो देखा ही होगा मैं कितने देर से इस फोन को यूज कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे नए नए फोन का बैटरी ड्रेन एंड चार्जिंग टेस्ट देखने के लिए।